दोस्तों हम हर बार कुछ ऐसी मूवीज खोजते हैं जिसे हम अपने पूरे फैमिली के साथ बैठकर देख सकें। और एनिमेटेड मूवी से बेहतर और कौन सी मूवी होगी जिसे आप फैमिली के साथ बैठकर देखना चाहेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज हैं आज के हमारे टॉप 10 काउंटडाउन में। और ज्यादा जानकारी और डाउनलोड्स के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉप 10 काउंटडाउन। नंबर 10, क्लाउड विथ अ चेंज ऑफ मीटबॉल। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे लड़के से जो कि एक ऐसा मशीन इन्वेंट करता है जो कि आसमान से बर्गर को नीचे फेंकता है, लेकिन बर्गर इतनी ज्यादा गिरना शुरू हो जाती है नीचे रहने वाले पीपल्स के लिए एक मुसीबत बन जाती है। और मूवी में उस मुसीबत से लोग किस तरह बाहर निकलते हैं ये इस मूवी में बखूबी दिखाने की कोशिश की गई है। मूवी बेस्ड है एनिमेशन एंड फैमिली एक्टिविटी के ऊपर। इसे रिलीज की गई थी 2009 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.9। नंबर 9, फ्रेडेड। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे बुल से जो देखने में तो बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा है लेकिन उसका दिल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। और कंप्लीट मूवी में इस बुल की लाइफ को दिखाई गई है या फिर कह सकते हैं कि उसकी एडवेंचरस लाइफ को दिखाने की कोशिश की गई है। मूवी की स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मूवी बेस्ड है एनिमेशन एंड फैमिली एक्टिविटी के ऊपर। इसे रिलीज की गई थी 2017 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.9। नंबर 8, द वाइल्ड। कहानी की शुरुआत होती है एक लायन से जो कि बचपन से ही जू में पला बड़ा है लेकिन अचानक से ही एक दिन वो गलती से शिफ्ट कर दिया जाता है अफ्रीका के जंगल में और उसे बचाने के लिए उनके साथी निकल पड़ते हैं एक अमेजिंग एडवेंचर पर। मूवी में लास्ट तक क्या वो अपने इस मकसद को कामयाब कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस कंप्लीट मूवी में। मूवी बेस्ड है एनिमेशन एंड एडवेंचर एक्टिविटी के ऊपर। इसे रिलीज की गई थी 2006 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.3। नंबर 7, अ मॉन्स्टर इन पेरिस। कहानी की शुरुआत होती है एक मॉन्स्टर से जो कि पेरिस में आता है और उसके कुछ साथी भी बन जाते हैं और वो साथी उस मॉन्स्टर को किसी भी तरह से पुलिस के हाथों से बचाने की कोशिश करते हैं और आखिर तक वो मॉन्स्टर के साथी उन्हें पुलिस के हाथों से बचाने में कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस कंप्लीट मूवी में। मूवी बेस्ड है एनिमेशन एंड फैमिली एक्टिविटी के ऊपर। इसे रिलीज की गई थी 2011 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.7। नंबर 6, वंडर पार्क। कहानी की शुरुआत होती है एक क्रिएटिव लड़की से जो कि एक पार्क को किसी भी तरह से ओपन करना चाहती है लेकिन कहानी की शुरुआत वहीं से होती है। पार्क तो ओपन हो जाती है और साथ ही साथ कुछ ज़ॉम्बीज मंकी उनके पार्क पर हमला कर देते हैं और आखिरकार लास्ट तक वो लड़की उन ज़ॉम्बीज से अपने पार्क को और अपने साथियों को किस तरह बचाती है ये इस मूवी में बखूबी दिखाने की कोशिश की गई है। मूवी बेस्ड है एनिमेशन एंड फैमिली एक्टिविटी के ऊपर। इसे रिलीज की गई थी 2019 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.8। नंबर 5, द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट 2। दोस्तों हमारे सबसे बुरे समय में हमें संभालने के लिए सबसे हमारा करीबी दोस्त ही होता है और इस मूवी में दोस्ती को बखूबी दिखाने की कोशिश की गई है और ठीक इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी है ये कंप्लीट मूवी। मूवी बेस्ड है कॉमेडी एंड फैमिली एक्टिविटी के ऊपर। इसे रिलीज की गई थी 2019 में और इसे IMDb रेटिंग दी है 10 में 6.5। नंबर 4, द विलबीज। कहानी की शुरुआत होती है चार बच्चों से जो कि अपने नैनी के साथ एक अनोखे एडवेंचर पर निकलते हैं और ये एडवेंचर सच में देखने लायक है। एडवेंचर बहुत ज्यादा एडवेंचरस है प्लस कॉमेडी एक्टिविटी से भरी पड़ी है और इस मूवी को रिलीज की गई थी 2020 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.4। नंबर 9, रेंगो। कहानी की शुरुआत होती है रेंगो से जो कि ट्रैवल करते हुए एक वेस्टर्न लैंड में पहुंचता है और वहां पर जाते ही वो पानी के लिए तरस जाता है और बाद में उसे पानी किस तरह मिलती है ये इस मूवी में देखने लायक है। मूवी जितनी ज्यादा एडवेंचरस है उतनी ही कॉमेडी एक्टिविटी से भरी पड़ी है। मूवी रिलीज की गई थी 2011 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.2। नंबर 2, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स। मूवी की अगर हम बात करें तो मूवी उनके लिए बेस्ट है जो कि स्पाइडरमैन के फैन हैं क्योंकि इस मूवी में बहुत सारे आपको स्पाइडरमैन दिखने वाले हैं। बहुत से अलग वर्ल्ड के स्पाइडरमैन दिखेंगे और कुछ पास्ट और फ्यूचर के भी स्पाइडरमैन इस मूवी में दिखने वाले हैं और ये सभी स्पाइडरमैन मिलके एक अनोखी विलन को हराना चाहते हैं। मूवी बेस्ड है एनिमेशन एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। इसे रिलीज की गई थी 2018 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.4। और लास्ट नंबर 1 पर हम बात करेंगे मेरी फेवरेट मूवी स्पेसेस इज डिस्कस। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे स्पाई से जिनके डिपार्टमेंट के लोग ही उन्हें गद्दार मानना शुरू कर देते हैं और वो अपने आप को बचाने के लिए एक लड़के का सहारा लेते हैं और वो लड़का उन्हें एक कबूतर में कन्वर्ट कर देता है। और कहानी की शुरुआत यहीं से होती है कि कबूतर बनने के बाद वो स्पाई क्या करता है और लास्ट तक क्या वो फिर से इंसान बनने में कामयाब हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस कंप्लीट मूवी में। मूवी बेस्ड है कॉमेडी एंड एनिमेशन एक्टिविटी के ऊपर। इसे रिलीज की गई थी 2019 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.8। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए काउंटडाउन के साथ। खुश रहिए, हेल्दी रहिए। गुड बाय।